और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के महोबा के सुभाष नगर में दो सगे भाइयों पर जानलेवा करने का एक मामला सामने आया है। दिन दहाड़े दोनों सगे भाइयों पर अवैध तमंचों से फायरिंग हुई है। गोली लगने से छोटा भाई घायल हो गया है, जबकि बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से हमला किया है, जिससे कि बड़ा भाई भी घायल हुआ है। घायलों को इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है, जहाँ पर घायलों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मोहल्ले के दबंगों ने फायरिंग की है। कोचिंग पेपर स्कूल की हमारी छुट्टी हुई है, जैसे हम यहाँ रोड के यहाँ पे आए हैं तो तीन लड़के थे, अलग वहाँ गाड़ी से साइड में खड़े थे, तो वे उतरे हैं तो उन्होंने सीधा मेरे पैर में गोली मारी। और देवा शर्मा नाम का लड़का था, हमारे मोहल्ले का है, बगा मार के और भैया को मार के और फरार हो गए थे। दो घायल जो अभी हमारे अस्पताल में दिखाने आए, तो उन्होंने ये बताया कि उनका किसी से झगड़ा हुआ है, ठीक है। उस झगड़े में एक लड़के को सर में गंभीर चोटें आई हैं, हम लोगों ने उसको सीटी स्कैन के लिए भेजा है, और आगे सीटी स्कैन की जब रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि उसको यहाँ रखना है या बाहर भेजना है। और एक दूसरे लड़के के पैर में फायर आर्म इंजरी से एक शॉट लगा हुआ है।